क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद बच्चों। और आज हम आए हैं आपके समक्ष गद्य खंड का, ये चैप्टर 10वां है, लेकिन यहाँ हम गद्य खंड का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नेताजी का चश्मा। देखिए, कहते हैं कि लोग चले जाते हैं और वो तभी याद आते हैं जब वो चले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने साथ रहता है तो उसकी जो कर्म है, उसका जो अच्छाई है, उसकी तब याद आएंगी जब वो हमारे साथ से बिछुड़ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारा इतना प्रिय है और वो हमारे यहाँ 10 दिन हमसे दूर चला जाए, तो तभी उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी जब वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए सभी को प्यार करिए, अपने नजदीक हैं उनको प्यार दीजिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे साथ कोई हमारा प्रिय कब हमसे दूर चला जाए और हमें जीवन भर उसकी याद सताती रहे। तो कभी किसी को दुख मत दीजिए अपनी तरफ से। तो ये नेताजी का चश्मा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह पाठ देश के महान वीरों पर लिखा गया, लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा एक ऐसी सुदृढ़ और सुंदर रचना है जिसको पढ़कर हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना का ओतप्रोत हो जाना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जन्म इनका सन 1947 में हुआ। लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश है जिन्होंने लिखा है नेताजी का चश्मा, और स्थान इंदौर में पैदा हुए जो मध्य प्रदेश में है। अधिकतर व्यतीत समय हुआ इनका राजस्थान में, और वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, अर्थात ये सरकारी सर्विस में थे, वहां से अपनी मर्जी से ही रिटायर हुए, और उसके पश्चात ये आजकल भोपाल में रह रहे हैं और एक पत्रिका वसुधा लिख रहे हैं, उसका संपादन करने में व्यस्त हैं ये। तो बेटे पाठ परिचय में देखिए, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना देशभक्ति है। भारत भूमि क्रांतिकारियों के महान बलिदान का ही परिणाम है। इस धरती की आन बान और शान के लिए उन महान शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और कह गए कि भगवान भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है? और भी कहा है कि जिनको नहीं निज देश और निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। भाषा विदेशी बोलकर जो रौब दिखलाने लगे, इस हिंद से वो भागबस अंग्रेज कहलाने लगे, हर खान पान रिवाज में हमसे अलग जाने लगे, इस हिंद से वो भागबस अंग्रेज कहलाने लगे। और भी इस ये देखिए, हमारी जो भारत भूमि है यह क्रांतिकारियों, देश प्रेमियों, वीर बलिदानियों के रक्त से सिंचित है। इस भूमि का कण कण इस स्फूर्ति देने वाला है। इस भारत देश की वंदना में पता नहीं कितने कवियों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। और कह गए, हे कमल पुष्पों में जैसे, हे कमल पुष्पों में जैसे, नागों में जैसे शीश हैं, इस तरह सब देशों में प्यारा श्री राम का भारत देश है। है वनों में वृक्ष चंदन को बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हिमगिरी, नदियों में गंगा धार है, नदियों में गंगा धार है। तो चलते हैं नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं।
इस योगदान में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। कहते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। इधर पाठ परिचय में, यहां देखिए सबसे, यहां पाठ परिचय हो गया आपका और इधर हम दे रहे हैं पात्र परिचय, क्योंकि कोई भी कृति बिना पात्रों के, बिना वातावरण के नहीं बनती है, उसकी पृष्ठभूमि चाहिए। जिस तरह से आप पढ़ते हैं, बिना किताबों के आप नहीं पढ़ सकते, बिना कॉपी रजिस्टर के आप नहीं पढ़ सकते हैं, बिना डॉट पेन के आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए किसी भी काव्य की शोभा या गद्य की शोभा उसके शब्दों से होती है, उसके पात्रों से होती है, उसकी पृष्ठभूमि से होती है। तो चलते हैं इसमें कौन कौन पात्र हैं। तो नंबर वन देखिए हालदार साहब, दूसरे हैं पान वाला, नंबर तीन है कैप्टन। इसमें नंबर वन आ देखिए हालदार साहब, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति उनको कहते हैं जो हर वक्त जिज्ञासु रहते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, कि हमसे कोई अच्छा कार्य हो। दूसरा दयालु, जो दया करने वाले होते हैं, कहते हैं ना कि मर्सी, ये दया, दया जो होती है MERCY, मर्सी होता है, मर्सी माने दया। तो मर्सी इज द फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी, इट इज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है बोथ गिवर एंड रिसीवर, ये लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए ही वरदान साबित होती है। इट इज लाइक द जेंटल रेन दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, यह उस तरह से है दया जो आकाश में बारिश होती है ना, इट इज लाइक द जेंटल रेन है दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, जो आकाश में से धरती पर बरसती है। तीसरा है भावुक, भावुक हो जाना है, ये हालदार साहब अत्यंत भावुक हो जाते थे, कोई ऐसी बात सुनते थे देश के प्रति। संवेदनशील, संवेदनशील हैं, सोचनीय हैं, विचारक हैं, सच्चे देशभक्त हैं। कैप्टन देखिए, कैप्टन एक गरीब फेरी वाला है, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, सच्चा देशभक्त है, अपने नाम को सार्थक करने वाला है और शारीरिक रूप से बेचारे कमजोर हैं। समय देखिए पान वाला, इसके चरित्र में आपको क्या क्या मिलेगा कि काले रंग का मोटा व्यक्ति है, बातूनी और खुश मिजाज है, हमेशा पान खाने वाला, कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु, कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला और जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती तो उस पर स्तब्ध रह जाता है। अब यहां देखिए पाठ का सार, यहां आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और नंबर वन है कस्बे का सामान्य परिचय। तो देखिए एक छोटा कस्बा है और उस कस्बे में आपको एक सीमेंट का कारखाना है और एक नगर पालिका है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है और वहां जो है एक उस कस्बे में चौराया है, चौराहा है, उस चौराहे पर कुछ दुकानें हैं जो कस्बे का मेन चौराहा है, उस पर दुकानें हैं। तो ये जो हालदार साहब हैं एक कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं, अर्थात एक कंपनी में काम करते हैं और ये वहां से जब गुजरते हैं तो जो पान वाला है उसकी जो दुकान है पान की, वो मेन चौराहे पर है, मुख्य चौराहे पर उसकी दुकान है पान वाले की। तो जब भी ये गुजरते हैं तो वहां से देखते हैं कि वो पान जरूर खाते हैं हालदार साहब। अब क्या होता है कि जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका का कार्य होता है सड़क बनवाना, दुकान बनवाना और
विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न रहना। ये